हाय गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम सभी लोग आज ये देख रहे हैं कि दिन पर दिन हमारे जीवन में कंप्यूटर का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। आज शायद ही ऐसी कोई क्लरिकल जॉब हो जिसके लिए ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट ना होती हो। आज से हम लोग ट्रिपल सी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी प्रिपेयरिंग का ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा दावा है कि प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 4 या 5 अंक के उत्तराधिकारी अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो ज्यादातर ट्रिपल सी की परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखना और समझना प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसके द्वारा कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर सुरक्षित रहते हैं? हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में समय और तिथि अपने आप अपडेट होती रहती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा घड़ी और कैलेंडर अपनी सही तिथि हमको दिखाते रहते हैं? तो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CMOS, ROM, RAM, फ्लैश मेमोरी। CMOS एक छोटे से सेल के जैसा होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है। ये सेल ही हमारी ROM के अंदर टाइम और डेट को सेव किए रहता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा CMOS। ROM और RAM ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं और फ्लैश मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, जैसे पेन ड्राइव इत्यादि। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट पर पॉप अप्स से क्या तात्पर्य है? उसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राउजर, दूसरा ऑनलाइन विज्ञापन, तीसरा सर्च इंजन, चौथा इंस्टेंट मैसेजिंग। हम लोग जब इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी बीच में कोई पॉपअप विंडो खुल करके सामने आ जाती है। वो पॉपअप विंडो किसी ना किसी ऑनलाइन विज्ञापन से संबंधित होती है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन विज्ञापन। ब्राउजर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग करना होता है, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, जैसे गूगल क्रोम, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि। और सर्च इंजन वो होते हैं जिनके अंदर हम कुछ लिख करके सर्च करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है इत्यादि। हमारा तीसरा प्रश्न है, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने वाली की कौन सी है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, नंबर ए F5, नंबर बी F6, नंबर सी F12 और नंबर डी F4। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि हमारे कीबोर्ड की ऐसी कौन सी की है जिसको प्रेस करने पर हमारे किसी एप्लीकेशन का सेव एज बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले तो यह समझ लें कि जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है वह उसी पेज पर सेव हो जाता है, लेकिन जब हम सेव एज पे जाते हैं तो जिस एप्लीकेशन के पेज पे हम कार्य कर रहे होते हैं उससे एक अलग नया पेज हमारा बन जाता है। तो सेव एज बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम कीबोर्ड पर F12 की को प्रेस करते हैं, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा F12। हमारा चौथा प्रश्न है, 1 TB में कितने GB होते हैं? TB को शॉर्ट में TB कहते हैं और GB को शॉर्ट में GB कहते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1024 KB
होने पर वह 1 MB यानी 1 MB बन जाता है। 1024 जब मेगाबाइट हो जाते हैं तब वह 1 GB बन जाता है, और जब 1024 GB होते हैं तब हम उसको 1 TB कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं उन सब में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि 1024 दिखा रहा है वो करेक्ट है। हमारा 5वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, पहला 1 दिसंबर, दूसरा 2 दिसंबर, तीसरा 1 जनवरी और चौथा 22 जनवरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाए जाने की तिथि है 2 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर की तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। हमारा 6ठा प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है। हमारे विकल्प हैं, पहला एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा एलजेब्रिक लोकल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक लोकल यूनिट और चौथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU, हम लोगों ने अगर CPU के बारे में पढ़ा होगा तो हमको पता होना चाहिए कि CPU के 2 भाग होते हैं, एक CU जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और दूसरा होता है ALU जिसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये बिल्कुल सही है। हमारा 7वां प्रश्न, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है। हमारे विकल्प हैं, ए जावा, बी सी भाषा, सी .NET भाषा, डी विजुअल बेसिक भाषा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी भाषा में तैयार किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा 8वां प्रश्न है, कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारे ऑप्शन हैं, ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी टेप ड्राइव और डी कॉम्पैक्ट डिस्क। इन चारों विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम संक्षेप में CD कहते हैं, इसमें जिस डेटा को स्टोर कर दिया जाता है बाद में उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस डिस्क के ऊपर लेजर के द्वारा डेटा को ट्रैक के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और इस वजह से उसको बाद में बदला नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी कॉम्पैक्ट डिस्क एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9, रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं। हमारे विकल्प हैं, ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर, डी रोमवेयर। रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रोम एक प्रारंभिक मेमोरी है और यह एक छोटी सी चिप के रूप में मदरबोर्ड पे लगी होती है। रोम के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्टअप में उसकी सहायता करते हैं। हम इन प्रोग्राम्स को केवल देख सकते हैं, इनको हम मिटा नहीं सकते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10, EPROM का क्या उपयोग है, इसको EPROM भी कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं, नंबर ए रोम के संदेश दिखाता है, बी रोम के संदेश में परिवर्तन करता है, नंबर सी रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है,
नंबर डी रोम का प्रारूप बनाता है। हम लोग ध्यान दें, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल मतलब जो इरेज कर सके यानी मिटा सके, और प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि नए प्रोग्राम बना सके। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमको ये बता रहा है कि यह रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है, यह एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 11, पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए मिनी कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर और डी माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जिनको हम अपने हाथ में लेकर के या अपनी टेबल पर रख करके उसमें कार्य कर सकते हैं, और ऐसे कंप्यूटरों को सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है और वो है माइक्रो कंप्यूटर। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 12, सबसे पुरानी आंकड़ों को गिनने वाली मशीन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर बी अबेकस, ऑप्शन नंबर सी घड़ी और ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस। अबेकस इन सभी विकल्पों में सही है, क्योंकि सबसे पहले गणना का कार्य अबेकस के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13, पहली एडिंग मशीन अर्थात जोड़ने वाली मशीन जिसमें जोड़ का कार्य हो सकता था वो कौन सी थी? इसमें ऑप्शन है नंबर ए दुस लाइन, ऑप्शन बी ऑर्टिड, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी डिफरेंस। आपको बता दें, वह मशीन जो सबसे पहले जोड़ का कार्य कर सकती थी वो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी और उसका नाम था पास्कल मशीन। अर्थात हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पास्कल इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14, बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1971, ऑप्शन नंबर डी 1978। इस प्रश्न में हमें सिर्फ एक सही सन को चुनना है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि बेसिक भाषा का आविष्कार सन 1971 में किया गया था, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए जिसमें डाटा स्टोर करने की सुविधा थी। जब प्रारंभिक हमारे कंप्यूटर बने तो उसमें सिर्फ गणना के कार्य तो किए जा सकते थे, परंतु जो भी कार्य होता था उसको स्टोर करने की सुविधा नहीं थी। तब सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर बना वो इन चारों में से एसडेक एक ऐसा कंप्यूटर था जो डेटा को स्टोर कर सकता था। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक एसडेक। प्रश्न संख्या 16, एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर की तकनीकी को क्या कहते हैं? हमारे विकल्प हैं ए मल्टी यूजर, बी मल्टी टास्किंग, सी मल्टी पर्पज, डी मल्टी फंक्शनल। मल्टी का अर्थ होता है बहुत सारी। अब यूजर का मतलब प्रयोग करने वाले, यानी मल्टी यूजर वो हुए जिनमें एक साथ कई
लोग कार्य कर सकते हों। टास्क माने होता है कार्य, मल्टी माने अनेक प्रकार के। अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने वाले कंप्यूटर को हम कहेंगे मल्टीटास्किंग, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। मल्टीपर्पज का अर्थ होता है अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने वाला कंप्यूटर, और मल्टी फंक्शनल का अर्थ होता है अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने वाला कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 17, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? हमारे विकल्प हैं ए स्वेज पास्कल, बी ग्लेज पास्कल, सी ब्लेज पास्कल और डी ब्लेजर पास्कल। अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था जिसमें एडिंग मशीन की बात कही गई थी, यानी यांत्रिक गणना, और अभी हमने बताया कि ब्लेज पास्कल ने उस मशीन को बनाया था, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्लेज पास्कल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन है ए रोबोकॉप, बी साइबोर्ग, सी इलेक्टोर्ग और डी रोबोर्ग। हमारे कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर, दूसरे एनालॉग कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के होते हैं उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता साइबोर्ग थे, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी सोना। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का निर्माण इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार के साथ ही हुआ था, और इंटीग्रेटेड सर्किट हमेशा सिलिकॉन से बनाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20, सीआरटी का पूरा नाम क्या है? विकल्प हैं ए कैथोड रे ट्यूब, बी कुटेड रोम टेप, सी कवर्ड रोम टेप और डी क्विज राइट टायर्ज। सीआरटी होता क्या है? हमने देखा कि कुछ समय पहले जो कंप्यूटर का डिस्प्ले होता था वो एक पुरानी टीवी के टाइप का मॉनिटर होता था, जो कि काफी भारी होता था, काफी वजन होता था और चलते समय बहुत अधिक बिजली की खपत भी करता था। उस मॉनिटर को हम सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कैथोड रे ट्यूब एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 21, MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं ए मूव पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बी मॉडल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, सी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और डी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG एक प्रकार का वीडियो फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन नेम .MPEG होता है, और इसका पूरा नाम है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 22, SD RAM का पूरा नाम क्या है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी सिस्टम ड्राइव रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी शॉर्ट डिस्प्ले
रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। एसडी रैम का प्रयोग मुख्यतः पेंटियम 3 जैसे कंप्यूटरों में होता था। जैसे जैसे पेंटियम 4 कंप्यूटरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, एसडी रैम का प्रयोग लगभग बंद हो गया। एसडी रैम का पूरा नाम था सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 23, पी रोम अर्थात प्रोम का पूरा नाम क्या है? विकल्प हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोजेक्ट रोल ओनली मैनेजमेंट, प्रोसेसर रिजल्ट आउट मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 24, बेसिक एक कंप्यूटर भाषा है, इसका पूरा नाम क्या है? हमारे विकल्प हैं ए बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी बिगनर्स ऑल सिस्टम इंश्योरेंस इन केस, सी बिगनर्स ऑल सोर्स इन कंपनी, और डी बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर भाषा का पूरा नाम है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्योंकि इस भाषा का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोड के द्वारा होता है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 25, कोबोल का पूरा नाम क्या है? हमारे विकल्प हैं कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और अंतिम कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल भी एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। कोबोल भाषा का निर्माण बिजनेस पर्पज के लिए किया गया और इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अर्थात हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अपने इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में और नई डिस्क्रिप्शन के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।